वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम गाइस। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं पोकेमोन फ्लोरा स्काई। थोड़ी सी मैं स्टोरी को क्लियर कर देता हूँ कि इस गेम में चल क्या रहा है। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया उसके, और हमने बाल्बासोर से आगाज़ किया, लेकिन अब वो इस वक्त आइवासोर बन चुका है, एवॉल्व हो गए। फिर उसके बाद मैंने 3 बैच जीते और चौथा बैच में गया एक सिटी में जीतने के लिए, जहाँ पर हर तरफ आइस ही आइस थी, मीन के वहाँ बर्फ़बारी हुई थी, सनो थी चारों तरफ। तो मैंने वहाँ से भी जीतने के बाद वापसी सिटी आया, मैं सिटी का नाम बोल गया गाइस। तो उस सिटी वापसी आने के बाद मैं इनके टेलीपोर्ट हो गया था। मैं आई डोंट नो कि वो टेलीपोर्ट कैसे हुआ खुद ब खुद, यानी कि इसके अंदर कोई ऑप्शन था तो उससे खुद ही हो गया। खैर, फिर उसके बाद मैं इस फॉरेस्ट में वापसी आया हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है और देखना है कि क्या होना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में आकर लाइक ज़रूर कर दिएगा ताकि नए आने वाले अपडेट आप लोगों को मिलती जाए। तो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, जहाँ मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे आ गया। अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर। यार, ये कौन सा पोकेमोन है भाई? वैसे तो एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस वक्त मेरे सारे पोकेमोन जो है ना बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। यार जाने दे भाई, कैन नॉट एस्केप। एक मिनट, अभी इसको बताता हूँ। देख, अभी रुक, तुझे ना अभी कुछ पटका वटका देना पड़ेगा। यार इसके पास कुछ ऐसा है भी नहीं। तीन फ्यूरी से पड़े के चेटती हैं यार वैसे। अच्छा यार, ये 25 लेवल का हो जाएगा एक और मारने के बाद। एक, दो, तीन, बस तीन। यार तीन से ज़्यादा दम नहीं है तेरे में। एक और लगा दे भाई इसको। ये कौन सी पावर मार रहा था भाई? अबे यार, स्टोन स्पोर्ट कर दिया। ओ स्टोन स्पोर्ट, यार मेरा पोकेमोन पैरालाइज हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हार गया। हाँ, जाने नहीं दे रहा था। स्लैश मिल गया भाई इसको, ये हुई ना बात। पता नहीं कौन कौन से हम स्वीट। यार ये मैं डाल रहा हूँ, ये बेकार है, किसी काम का नहीं। यार भाई ऊपर रास्ता है क्या? मेरे पास ना इशू ये कि यार ये बड़े बड़े पोकेमोन मिल रहे हैं ना, इसके साथ पंगे करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि मैंने विड्रॉ कर ली है अपने सारे पोकेमोन्स। देखता हूँ शायद मेरे पास पड़ी हो रिपेल। नहीं यार, रिपेल हो गई है, ख़त्म। एक आखिर, अच्छा मैक्स रिपेल है ना यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर लो, मैक्स रिपेल करने के बाद ही मिल गया भाई। तू मेरे पास है, तू चला जा वापसी भाई। यार ये चीज़ समझ में नहीं है, मैक्स रिपेल करने के बाद। खैर, कभी कभार मिल भी जाते हैं यार, तभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यार रास्ता तो बहुत ही लंबा है यार। आप देखो, यहाँ दो रास्ते जा रहे हैं, नीचे जा रहा है और एक ऊपर रास्ता जा रहा है। फ़िलहाल मैं जो जाने वाला हूँ, वो जाने वाला हूँ मैं नीचे रास्ते पर। देखो यार, ये फिर से लड़ने के लिए कोई ना कोई तैयार है। टीम मैग्मा का बंदा है भाई ये, तो यहाँ पर खड़ा है, वो पंगे ज़रूर करेगा ये भाई। ये इतना सा आदमी मुझसे लड़ेगा डाटा ते बड़े पोकेमोन से? एक स्लैश में चला जाना चाहेंगे। चलो बेटा भागो। ये कौन है भाई? बेस्क्विल। अबे बेस्क्विल नहीं यार, इसके लिए ना मेरे पास आइवासोर जिंदा तो होना चाहिए भाई। आइवासोर जिंदा है, माइनन मेरा मर चुका है। ब्रेजर लीव मारू पे भाई। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। 2 इंच का पोकेमोन है, मछली टाइप का। अबे भाग यहाँ से। नहीं, अभी भी नहीं भागेगा खुद ही भाई, वो कंफ्यूज हो गया। अबे हाइपर पोशन इस्तेमाल कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है ना तू कर, मैं तुझे बताता हूँ। अभी एक और पड़ेगा और तू घर जाएगा। अब किक का कितने हाइपर पोशन बेवजह में जो है ना, ये
गया नहीं है, किल्ला दूर पड़ेगी अभी। बाइट कर रहा है इतना सा। चल बेटा निकल ले। तो भाई फेंटेड, और इसके अलावा मुझे मिला है यहाँ से कुछ डॉलर्स वगैरह दे दे भाई। 680 डॉलर नहीं है वैसे, डॉलर का निशान नहीं है गाइस। यार ये यहाँ पर भी रास्ते, यार सुपर रिपेल मैक्स रिपेल इतनी बुरी होती है क्या? मैक्स तो सुपर से भी ऊपर होती है, क्या बात बोली, मैक्स सुपर से भी ऊपर। यार रास्ता, ये वापसी नहीं आ गया मैंने। ओए एक मिनट, नहीं नहीं यार वापसी नहीं आया, मैं सही जा रहा हूँ। जहाँ से मैं, नहीं नहीं सही जा रहा हूँ भाई, मैं शायद सही जा रहा हूँ, मुझे भाई पता नहीं है, क्योंकि अब सारे रास्ते ना बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। यार रिपेल यूज़ करने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, एक और यूज़ कर लूँ क्या? पता नहीं भाई क्या मुसीबत है, सर पे पड़ने वाली मुसीबत है, बहुत बुरी लगती है मुझे। देखो यार क्या फ़ायदा है इसी रिपेल का, सुपर रिपेल ले लूँगा ढेर सारी। यार कोई मुझे पोकेमोन का वो दिखेगा ना। यार यहाँ गलत तो नहीं, ऊपर रास्ता है, मैंने कहा इससे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए ना। सॉरी गाइस। तो भाई यार मेरे पास पोकेमोन ही, कोई बात नहीं, एक स्लेश खा। क्या भाई क्या मुसीबत है, गया भाई, एक और पड़ेगा। यार ये इसका नाम क्या है, यू सैरिंग भाई, भाई इसका नाम नहीं सही, उर सैरिंग खैर जो भी है नाम, यू सैरिंग। ये अच्छा पोकेमोन है फिलहाल, तो अभी तक अच्छा काम किया है इसने, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि कोई पोकेमोन इसके लिए इतना ख़ास मुश्किल खड़ी करे, क्योंकि यार एक सबसे बड़ी बात ये एक हैवी पोकेमोन है, नॉर्मल टाइप भी है, तो जो हैवी पोकेमोन होते हैं ना उनकी ना HP थोड़ी देर में जाती है छोटे पोकेमोन के मुकाबले में ना। जैसे मेरा माइना ने, उसको भाई कुछ भी पड़ता है ना बहुत जल्दी फील जाती है उसकी, तो ये एक इशू है। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन यार कोई अच्छा मिला ना तो मैं माइनन को हटा दूंगा, लेकिन बशर्ते कि मुझे कोई अच्छा पोकेमोन मिलना भी चाहिए। भाई इतने छोटे छोटे रास्ते हैं और इतने सारे रास्ते हैं, मुझे नहीं पता। पेंसिज भी वैसे मैंने कैच कर लिया था लास्ट टाइम जब मैं खेल रहा था थोड़ी देर पहले। भाई मेरे जो है ना पोकेमोन बिल्कुल लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं खामोशी से ऊपर ही जाने वाला हूँ, ऊपर ही ऊपर निकलने वाला हूँ। यार ये फिर से जो है ना गंद ना मचाए। देखते रहे, एक भाई को तो मैंने हराया था वो, और ये डर गया भाई, डर गया। अबे कितने रास्ते हैं भाई, मैक्स रिवाइव मिल गई एक मुझे, जो कि आगे चल के काम आने वाली है मेरे बहुत ज़्यादा। यार ये डबल फाइट बहुत बुरी लगती है मुझे। इसके पास हैं भी 3 बहुत उम्र। अबे यार कोई बात नहीं फिलहाल, तो मुझे पता था ये मर जाएगा, बेचारे की फील्डिंग ही थी। फिलहाल मुझे एक इस पोकेमोन से अपना काम चलाना है अभी तो। एयर कटर पड़ेगा इसके, अबे भाई वो भी गया डबल एच। रेटिकेट टू बेटा बचने वाला नहीं है मुझसे। तो गया एक मुक्के में, भी तेरे भी एक मुक्का पड़ेगा। हैं अबे वो अपने साथ मुझे भी मार गया, तो यार इतना दूर जाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं कि भाई ये वो जगह थी जहाँ से मैं आगे बढ़ा था, यहाँ बहुत छोटे छोटे यार रास्ते हैं, और ये जो है ना इशू भाई यही करेंगे आगे चल के।
फिलहाल मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा यार, पता नहीं क्या मसला है। मैक्स रिपेल जो है ना ठीक से काम कर नहीं पा रही यार, मिनट मिनट पे पोकेमोन मिल रहे हैं। मुझे डर ये है कि लास्ट है मेरे पास रिपेल जो मैंने सब यूज़ की हुई है वो ख़त्म हो गए ना, तो फिर तो जितनी जल्दी ये मिल रहे हैं ना फिर तो मेरा ये काम ख़त्म हो गया भाई। अब तो भाई मिनट मिनट में मिलेंगे। यार मैं ना रिपेल अब अपनी कहाँ मिलेंगी गाइस, ढूंढना बहुत मुश्किल है इसमें ना चीज़ें। गाइस उस जगह पे मैं वापस आ गया हूँ, मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ से थोड़े से पोकेमोन को ना चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसके पोकेमोन मैंने क्योंकि देख लिए हैं तो अब उसी सेटिंग से इसको हराऊंगा, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम मुझे अपना नहीं देना है इसको। यार ये छोटे छोटे ट्रेनर्स ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। यार डबल एज मार दिया उसने, अभी इसको बताता हूँ मैं। यार अब वो दोनों को ही ले जाएगा आखिर मरता है। यार बहुत इश्यू है यार ये। पता नहीं इसका डबल एज इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया यार। ताज्जुब की बात है भाई, मैं तो शुक्र इस भाई ने डबल एज नहीं मारा। चलो एक तो गया, वो स्केरी फेस करके ना स्पीड कम करे जा रहा है, लेकिन कोई नहीं भाई तू तो गया भाई, बहुत भारी पड़ गया था ये भी स्कैरेटी के। तो छोटा सा पोकेमोन है और अब ये मुझे भारी पड़ने वाला है। स्मोक स्क्रीन यार, यार वो भी पॉइजन हो गया। मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए होती चली जा रही है जैसे जैसे मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ। वो भी जो है तो मेरे दोनों मेन पोकेमोन इस वक्त पॉइजन हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पर अभी तक कोई दिखा भी नहीं है पोकेमोन सेंटर। फिलहाल में सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है मेरे लिए। गाइस इशू तो हैं लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल चलना तो पड़ेगा आगे। इसी इशू के साथ आगे बढ़ना है हमें और बस जल्दी से मुझे रास्ता मिल जाए। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ भाई, मिल गया शायद रास्ता मुझे। अब ये दोनों शायद फाइट करेंगे, बिल्कुल मुझे यही पता था दोनों मिलके फाइट करने वाले हैं मुझसे। हम्म,
मुझे भारी पड़ जाएगी ये फाइट 100%, क्योंकि मसला मेरे साथ ये मेरे दोनों पोकेमोन ना पॉइजन हो चुके हैं। ये अच्छा हुआ इन लोगों ने शुरू में कोई ऐसा हमला नहीं मारा, फायदा नहीं। ये इशू है यार मेरे साथ, क्योंकि मेरे जो है ना पोकेमोन यार वो सुपर पोशन भी थोड़ा यूज कर लिया। पढ़ने तो दोनों को चाहिए यार, इंसानियत की बात तो यही थी। अच्छा हुआ दोनों के ही पढ़े भाई। फिलहाल अभी एक क्लिंगर, ये भाई ये भारी ना पड़ जाए मुझे। वैसे तो इस बार मुझे डर ये लग रहा है कि सारे ही मुझे भारी पड़ जाएंगे। एयर कटर मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे मैक्स रिवाइव यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं यार जाना नहीं चाहता वापस। भाई नहीं एक मिनट, मुझे भाई मैक्स रिवाइव यूज़ करनी चाहिए और लेकर भी मुझे गॉर्डर को ही आना चाहिए फिलहाल, और इसकी पूरी फील्ड हो गई। अब ये सब जाएंगे भाई, तुम लोगों का खात्मा है बेटा। खात्मा है तुम लोग, खात्मा नहीं है, खात्मा हो तुम लोग। तुझे तो पड़ेगी लो किक और तुझे पड़ेगा स्लैश है मुडी वाटर। यार कोई बात नहीं, चल बेटा तू तो नहीं कर, तेरा मेरा आमना सामना हो रहा है। देख खामोशी से ना लाते वाते खा लियो दो चार और फिर वापसी चला जाइयो। बस भाई ख़त्म फिलहाल। यार ये पोकेमोन मेरे बहुत काम आया यार, शुरू से लेके अभी तक यार कि इसने मुझे बहुत से हारे हुए मैचेस भी जितवाए यार। और ये मेरा सबसे फेवरेट पोकेमोन है इस सीज़न में, पोकेमोन फ्लोरा स्काई में। बट टीम मैग्मा ऑफ मैक्सिम ग्राउंड सर, मुझे ऊपर जाना है। हाँ खैर आना तो यहीं पर ही है, अब तू मत लड़ियो भाई। ओ भाई लड़ा नहीं है, आई थिंक मेरे पोकेमोन रिस्टोर करके दे दिए शायद। हाँ भाई अब आएगा ना मज़ा चलने में, पर आ जाओ अब जिसको लड़ना है लड़ लो आकर। यहाँ पर क्या सीन है भाई, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर भाई। इससे मेरी फाइट होगी, हाँ भाई बॉस फाइट होगी भाई। गया भाई पहली बारी में, पहले हमले में गया। मैं समझ रहा था बॉस फाइट होगी। मैगमार, मैगमार के लिए मेरे पास यही है भाई फिलहाल तो। भाई ये है ना 40 लेवल का, अब आया टक्कर का बंदा लड़ने के लिए आया मेरे, तो सोच रहा टक्कर का बंदा है भाई, वो भी एक रॉक स्लाइड में आ गया। हिटन ये बताइए कौन सा पोके ओ हो, 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 हो ये कुछ टक्कर का लग रहा है, पता नहीं भाई ये क्या है, कैसा पोकेमोन हो। ऐसे रॉक टाइप पोकेमोन है ये भी, और इसके बाद रॉक स्लाइड लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा असर करने वाला है। कि हाँ मैं सही सोच रहा था, सनी डे चल रहा है वैसे, प्रोटेक्ट करने का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, अगली तेरे मुंह पे लात पड़ी जाएगी।
इसके मुंह पे एक लात पड़ेगी ना तभी सीधा होगा। भाई ये भी गया यार। भाई चैम्पियन पोकेमोन है अपना ये कॉनकेल्डर सही नाम ले रहा हूँ शायद इस बार भी। बच्चों की तरह हरा दिया मैंने तो उसको यार। भाई वो चौड़ा हो रहा है। ओ भाई सिंधिया भी आ गई और वो जो उसकी फ्रेंड थी उसने हमारे साथ सफ़र को शुरू करो जर्नी को वो भी आ गई। फिलहाल तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम नॉट लूज सिंधिया। थैंक्स सो मच जानते भाई चौड़ा हो जाएगा हमारा बंदा। ये कौन सा पोकेमोन है यार। मैं आ चुका हूँ और अब मुझे पता है मुझे क्या करना है यहाँ पर। तो गाइस पहले तो मैं इसको पुश कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे यार ये क्या सीन है भाई। यार ये अच्छा अच्छा एक मिनट समझ गया मैं। कुछ समझाऊँ थोड़ा बहुत ना इस चीज़ को। देखो भाई मैं ना एक काम करता हूँ यूँ जाकर। देखो भाई मैं जाऊँगा पहले यूँ जाऊँगा फिर यूँ जाऊँगा फिर यूँ जाऊँगा फिर यूँ जाऊँगा फिर यूँ जाऊँगा। देखो एक गेट खुल गया यहाँ से ना मीन के एक स्टैचू की जगह खुल गई। गाइस मैंने इसको भी पुश कर दिया। अब मेरे ख्याल में हाँ देखो ये भी एरिया खुल गया ना। वापसी सारा करना पड़ेगा मुझे। गाइस देख के करना है सारे काम ना। यहाँ बड़ा इशू है यार। देखो भाई फिलहाल इसमें मैं यूँ आने के बाद नहीं जाऊँगा। पहले मैं एक काम करता हूँ ना यूँ जाता हूँ। देखो भाई मैं जाने वाला हूँ ऐसे। भाई रास्ता खुला लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा शायद मुझे जाके एक बार और पुश करके देखता हूँ उसको। गाइस ये रास्ता मेरे लिए खुला है। मेरे ख्याल में तीसरा वाला जो है इसका लॉक खुल जाएगा। इसके लिए मुझे ऐसे जाना है ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे फिर ऐसे। यार इशू हो गया ना। गाइस दोबारा से मैं आया इस तरीके से करा कुछ इस तरीके से करने के बाद आई थिंक मैं इस बार सही हूँ बिल्कुल। हो गया भाई ओके हो गया। और यहाँ से खुलना चाहेंगे इसलिए रास्ता बिल्कुल भाई रास्ता भी खुल गया है लेकिन यहाँ पर कुछ एक मिनट शायद मुझे एक बार फिर पुश करना पड़ेगा उसको बटन को शायद फिर कुछ रास्ता पूरा खुल जाए। फिलहाल इन गड्ढों में गिरना नहीं है मुझे। भाई ये एक पज़ल था जो कि सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा बच गया बीच में घुस जाता मैं। देखो भाई इधर मेरे को जाना था पर भाई इससे फाइट ना हो भी यार बस। शाइमिन ग्रैटिना ओहो यहाँ पर फाइट हो रही है भाई। ग्रैटिना और डियालगा के दरमियान फाइट चल रही है भाई। लड़ो मर जाओ लड़ के आपस में भाई तुम दोनों। ये क्या हुआ भाई। फ्लैश हो इट्स शाइनी इन इट्स स्काई फॉर्म।
अच्छा ये कोई छोटा सा पोकेमोन आया भाई, भाई इतना सा पोकेमोन ये क्या रोकेगा इनकी फाइट को, भगा दिया भाई। इट्स स्ट्रेंगल लॉन्गर एंड वी नीड टू ब्रिंग बैक। मैं इसको कैच कर सकता हूँ शायद, ओहो मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई। ये पोकेमोन तो मुझे अच्छा लग रहा है, छोटा सा पोकेमोन है और मुझे नहीं पता कि भाई कैसा होगा। ओहो ये ना यार, ये क्या कहते हैं यार, भाई भूल गया नाम ही भूल गया, देख ग्रास टाइप पोकेमोन है। पे बस कर भाई, बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है। तो हारे ना बस, मास्टर बॉल फेंक के देखते हैं इसके ऊपर आ जाए। मास्टर बॉल से नहीं बचता भाई, कितना भी ताकतवर पोकेमोन। यार ये पोकेमोन अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है ये आगे चल के कुछ अच्छा काम ज़रूर करने वाला है। फ़िलहाल मेरा काम यहाँ पर शायद ख़त्म हो गया। ओहो भाई मैं सो के उठाऊँ शायद, ये किसका घर है जानते, फ्लैश यो जानते यू हैव कन फ्रॉम यूर। अच्छा वो ये लड़की लड़की का घर है शायद, जिसने हमें बताया था उसके बारे में पोकेमोन जिस हमने कैच किया अभी। फिलहाल उसको जाके मैं अपने पॉकेट में रखने वाला हूँ। यार वैसे हटाऊँ किसको मेरी समझ भी नहीं आया, लेकिन देखता हूँ जाके कौन सा पोकेमोन रख सकता हूँ कौन सा नहीं। ऑप्टन HM03 इसने मुझे कुछ दिया है, 5 पैचेस। तो फिलहाल गाइस मैं इस 5th बेज आई थिंक, एक मिनट पहले जगह को एक्सप्लोर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, आई थिंक मैं किसी न्यू सिटी में आ गया हूँ भाई। न्यू सिटी है ये, और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं एक न्यू सिटी में, जो कि मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं होगा। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो को आज कर रहा हूं यहीं पर एंड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देगा यार, सब्सक्राइब आप लोग कर दें। आप लोगों का क्या जाए, नीचे बटन को जल्दी से दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, और जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर करवा दें। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलूँ, तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।